दोस्तों मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग जीरोधा काइट ऐप के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी शेयर्स वहाँ पे खरीदते हैं और वहाँ पे दोस्तों आप लोग होल्ड कर देते हैं तो दोस्तों उनको होल्डिंग शेयर्स बोले जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग होल्डिंग शेयर्स का अपना स्टेटमेंट कैसे निकाल पाएंगे, अगर दोस्तों कहीं भी आप लोगों को शेयर्स की स्टेटमेंट लगाना है तो दोस्तों आप लोगों को पहले स्टेटमेंट निकालना होता है, तो वो दोस्तों लीगल डॉक्यूमेंट होता है, चाहे वो दोस्तों आप लोगों को इनकम टैक्स में प्रूफ के तौर में देना हो या कहीं अंत यूज करना हो, तो दोस्तों आप लोग जीरोधा काइट ऐप के माध्यम से अपना जो है होल्डिंग स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को आज यही बताने वाला हूँ, तो दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे मैं आप लोगों को लाइव प्रोसेस करके दिखा सकूं। और दोस्तों मैं आप लोगों का साथी आशीष कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल आशीष LLB में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा प्रेस कर लें जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सके। दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों आप लोगों को आ जाना अपने मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे आ जाने के बाद दोस्तों जहाँ भी आप लोगों को काइट ऐप वो पड़ा हुआ है उसको दोस्तों यहाँ से आप लोग ओपन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इंटरपिन, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपना इंटरपिन जो होता है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना इंटरपिन डाल लेता हूँ। जैसे दोस्तों आप लोग अपना इंटरपिन दर्ज करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने वॉच लिस्टेड ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे जितनी भी लिस्ट आप लोगों ने बना रखी होगी वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर पे आप लोगों की ID देखने को मिल जाती है, इस पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ आप लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, तो सपोर्ट के ऑप्शन पे यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप लोग सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये आप लोगों को जो है आपके क्रोम पे रिडायरेक्ट कर देगा। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे अपना जो है सर्च करना है। क्या सर्च करना है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट अगर ओपन करना है तो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग डालेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुझे जो है वो होल्डिंग देखना है, होल्डिंग स्टेटमेंट मंगाना है, तो होल्डिंग स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे। जैसे ही यहाँ पे होल्डिंग स्टेटमेंट आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों के सामने तीन ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं विल जीरोधा सेंड माई होल्डिंग स्टेटमेंट माई इन्वेस्टमेंट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई MI नॉट अवेलेबल लॉग इन टू AMC वेबसाइट टू चेक माई, और यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्ट आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को सिलेक्ट करना है विल जीरोधा सेंड माई होल्डिंग स्टेटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। इसको दोस्तों आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट ए टिकट, तो यहाँ पे क्रिएट ए टिकट पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट ए टिकट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं व्हाट यू आर फेसिंग एंड इशू विद, तो यहाँ पे सिलेक्ट एंड इशू में आप लोग देख सकते हैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग या नन ऑफ द एबव, तो यहाँ पे दोस्तों नन ऑफ द एबव देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग नीचे सब्जेक्ट में देखेंगे तो सब्जेक्ट में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला है विल जीरोधा सेंड माई होल्डिंग स्टेटमेंट फॉर माई इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, यहाँ पे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप लोग इशू में लिख देंगे होल्डिंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग नीचे आएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्रिएट टिकट पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्रिएट टिकट पे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्लाइंट ID आप लोगों क्या है, लॉगिन ID भी कैट ES देखने को मिल रहा है, आर्टिकल यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ की कैटागरी एव देखने को मिल रहा है, और इशू टाइप अनलिस्टेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक ईमेल भी आ चुकी है, वो ईमेल यहाँ पे दोस्तों आप लोग ओपन कर लें। यहाँ पे दोस्तों आप लोग जैसे ही ईमेल ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जीरोधा की तरफ से ये ईमेल आई हुई है। यहाँ पे डियर आशीष, ये सपोर्ट टिकट हैज बीन क्रिएटेड एंड असाइंड द टिकट नंबर इतना इतना, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये टिकट नंबर क्लियर कर दिया गया, और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बता दिया गया है कि 8:30 AM 8:30 PM के बीच में
ट्रेडिंग समय में आप लोगों को आपका स्टेटमेंट 24 घंटे के अंदर भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आप लोगों का होल्डिंग स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट आप लोगों को 24 घंटे के अंदर आप लोगों को मेल पे भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट होता है, इसको आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये लीगल स्टेटमेंट होता है। लेकिन दोस्तों आप लोग अगर जीरोधा के माध्यम से वैसे होल्डिंग देखते हैं तो वो भी दोस्तों आप लोगों को शो करती है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग कार्ट में अपने आ जाएंगे, कार्ट में आप जाने के बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाएंगे। पोर्टफोलियो में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला, तो होल्डिंग में भी दोस्तों आप लोगों को इस प्रकार से जो भी लिया होगा वो यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसकी अगर स्क्रीनशॉट लेके कहीं भी आप लोग लगाते हैं तो ये दोस्तों वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आप लोगों को अभी टिकट क्रिएट किए हैं उसके माध्यम से आप लोगों को जो स्टेटमेंट भेजा जाएगा वो आप लोगों का कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे वो बैंक में, इनकम टैक्स में, कहीं भी आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। आप लोग अपना होल्डिंग स्टेटमेंट इस प्रकार से निकाल सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे कोई तरीका निकालने का नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।